कांग्रेस की तरफ से आज जो मोर्चा मेरे कार्यालय पे यहाँ पे आया, उस का मोर्चा में जो लोग थे वो सब भाड़ोत्री लोग थे, युवक कांग्रेस से उनका कुछ संबंध भी नहीं था, इसके लिए शिवसैनिकों ने उनको यहाँ से भगाया। अगर उनका हेतु अच्छा रहता तो निश्चित स्वरूप से हम उनका निवेदन लेते थे, और उनको निवेदन के लिए हम लोग ने 12 बजे का टाइम दिया था। 12 बजे तक उनका एक भी वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित नहीं था, और जिस हेतु के लिए जो जिस विषय के लिए वो मिलना चाहते थे वो सभी विषय केंद्र सरकार से संबंधित है, और इस विषय के बारे में शिवसेना की भूमिका स्पष्ट है। महंगाई हो, GST हो, और जो विभिन्न विषय केंद्र सरकार के जिस विषयों से सामान्य नागरिकों को तकलीफ हो रही है, आपत्ति हो रही है, उस सभी विषयों को शिवसेना ने पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे, विधानसभा के प्लेटफॉर्म पे और रोड पे भी आंदोलन के माध्यम से लिया हुआ है। तो इसके लिए कांग्रेस ने हमें ये जो दिखावापन नहीं दिखाना चाहिए, और उनका हेतु अच्छा है तो वो पर्सनली आके मिलके उसका निवेदन दे सकते हैं, उसके लिए मोर्चा लाने की जरूरत नहीं है। शिवसेना ने इस पूरे विषय पे, जिस पे सामान्य नागरिक और किसानों को जो तकलीफ होती है, सभी विषय को रोड पे इसके पहले आंदोलन किया हुआ है। कांग्रेस सोई थी, अभी जागी हुई है, तो देर से जागे हुए, इसके लिए उनको उनकी जगह शिवसैनिकों ने दिखाई। ये जो आज का जो प्रदर्शन था वो यूथ कांग्रेस की तरफ से था, तो आज आप देखोगे तो जितने भी थे वो सब युवा थे, और ये भाड़े के टट्टू ने, ये जितने भी आज लड़के थे ये सब यूथ कांग्रेस के मेंबर्स है। आज आप निवेदन देने के लिए सांसद, तो क्या हंगामा हुआ, क्या आप सभी लोग वहाँ पे ही मौजूद थे, तो आप सब लोगों ने देखा कि हम यूथ कांग्रेस की तरफ से पीसफुल निदर्शन करके हम हमारे सांसद को लेटर देने को जा रहे थे, और ऐसा भी नहीं था कि हमने उनको इंटीमेट नहीं किया था, हमारी इंटीमेशन पुलिस के थ्रू उन तक गई भी थी, बट कहीं ना कहीं आज सत्ता की ताकत दिखाने के लिए इन लोगों ने पुलिस को आगे करके एक पीसफुल निदर्शन पर, अगर ये लोग सारे कॉरपोरेटर्स और सारे आमदारों को बुलाकर वहाँ पे लफड़ा करना चाहते तो ये हमारी संस्कृति नहीं है, बट ऐसा है कि आज हमारे यंग लड़के सारे यूथ कांग्रेस के सारे ही लोग वहाँ पे आए हुए थे, अभिषेक मिस्त्री जी ने वहाँ पे सब अरेंजमेंट तगड़ा किया हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये इसका मेरा निषेध है कि इन लोगों ने इसको आक्रामक किया, और हमको भी फिर कहीं ना कहीं हमारे लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। तो आज मेरा मानना ऐसा है कि ये जो निदर्शन था ये पीसफुल था, और एक इंक्वायरी की मांग करने के लिए हम गए थे, ये इंक्वायरी से डर कर कहीं ना कहीं ये सब हंगामा किए हैं, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे मारा भी गया है किसी लोगों ने सूचने के, तो उसके यहाँ पे आने वाले समय में क्या करने वाले? देखिए, ऐसा है कि हम तो कायदा कानून को हाथ में लेने की काम कभी नहीं करते हैं, तो कायदा कानून के हिसाब से हमने पुलिस से मांग की है कि हम तभी वहाँ से हटेंगे जब उन पर वो कार्रवाई करने की हमारी मांग को पूरा करेंगे, तो हमको पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो उन पर कार्रवाई करेंगे, बट पुलिस के रवैये से मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कार्रवाई करेंगे, नहीं करेंगे तो हम वापस फिर से ये आंदोलन कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि NDA में मेरे हिसाब से सभी पूरी दुनिया जानती है कि शिवसेना और भाजपा अलायंस में चुनाव लड़ी थी, तो जब चुनाव लड़ते हैं तभी अलायंस होता है, गवर्नमेंट फॉर्म होता है अलायंस होता है, तो मुद्दे पे खाली अलग कैसे हो सकते हैं? मुद्दे पे अलग होते हैं तो गवर्नमेंट छोड़ दो, फिर कहो कि BJP के सांसद के पास जाओ, हमारे पास क्यों आते, तो हम मानते हैं आपकी बात को। ये ड्रामा उनको अभी बंद करना चाहिए, और जो गलत किया है उसको कबूल कर माफ़ी मांगनी चाहिए लोगों से, ऐसा मेरी मांग है।